यहाँ पर हम देखेंगे इसके आंसर्स। तो ये हमारे पास ये स्टांजा है, तो यहाँ पर हमने किया था सौरव, पोएट इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस, तो यहाँ पर सौरव ने ग्रेटिट्यूड है उसका, एक्सप्रेस इज ग्रेटिट्यूड, टीयर्स ऑफ सौरव ग्रेटिट्यूड। तो यहाँ पर आपको कहीं नहीं मिलेगा वो, ज्यादातर इस तरह से वो क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है सेकेंड, द वर्ड दी इज आर्किक वर्ड, ये सही है। द मदर हैड गिवन द पोएट, तो रिवार्ड गलत है, वेल्थ एंड फेम यही है उसका सही। और उसके बाद है द चेन ऑफ पर्ल्स इज अ मेटाफोरिकल रेफरेंस टू पोएट्स ट्रिब्यूट, ये सही है। उसके बाद है द ब्रोकन हार्ट ऑफ पोएट कैन बी मेंडेड ओनली बाय स्वीट वर्ड्स एंड लव, ये भी राइट है। वर्ड एडॉन इज सिनोनिमस टू डेक है, ग्रीस करे सर एडॉन। पेपर ने एडॉन कर देखे। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, लैंग्वेज एक्विजिशन मीन्स एन अनकॉन्शियस प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन लैंग्वेज इज यूज इन रियल कन्वर्जेशन, ये राइट है। उसके बाद ग्रुप डायनामिक्स में क्या आता है, तो ग्रुप वर्क, टीम स्पिरिट नहीं आती, कोऑपरेशन, सिंपैथी एंड टीम स्पिरिट आती है। तो ग्रुप वर्क, टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट यहाँ पर भी है, सिंपैथी आना उसमें जरूरी है, कोऑपरेशन, सिंपैथी। नेक्स्ट है अ गुड टेक्स्ट बुक शुड, तो दोनों होना चाहिए, क्योंकि गुड टेक्स्ट बुक है वो, अच्छी टेक्स्ट बुक, आम टेक्स्ट बुक्स रहेंगी तो उसमें गलती हो सकती है, तो गुड टेक्स्ट बुक, क्योंकि वो उसको बार बार देखकर निकालते हैं ना कि कहाँ पर गलती आ रही है, किस में कौन सी लाइन में। तो हैव नो परफेक्शन प्रिंटिंग एरर और डेवलपिंग मॉरल क्वालिटीज इन द स्टूडेंट। नेक्स्ट करेंगे फिफ्थ, प्रोडक्टिव स्किल इंक्लूड बोथ ए एंड बी, स्पीकिंग एंड राइटिंग। सिक्स्थ है क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज और आर जनरल इम्प्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटी। सेवेंथ है व्हेन अ चाइल्ड इज आस्क्ड टू रिसाइट अ पोएम इट कैन हेल्प द टीचर टू टेस्ट प्रोफेशिएंसी इन स्पीकिंग राइटर। नेक्स्ट है एट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर टू इमिटेट, नकल करने की उन्हें, इमिटेट यानी नकल, तो लैंग्वेज क्लासरूम में अपॉर्चुनिटी देता है इमिटेट करने की, तो कभी भी इंटरेक्ट नहीं, इमिटेट वाला करना है इसमें। नेक्स्ट है इवेल्यूशन ऑफ लैंग्वेज इन द रिकॉर्ड्स मस्ट बी स्टोर्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड सोशल एडजस्टमेंट प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। टेंथ है इफ द टीचर सप्लाइज विद द आंसर्स ऑल द टाइम इट इज डिट्रीमेंटल, ये राइट है। नेक्स्ट है अ मेटाफर इज इनडायरेक्ट कंपेरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग, राइट है। ट्वेल्व है डैश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन फॉर्मुलेटिंग असेसमेंट टास्क, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ऑल ऑफ द अबव नहीं है, सिर्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक और हिंट है, यहाँ पर आर नहीं आया, यहाँ पर इज है, इज मतलब एक ही रहेगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हालांकि वो कर देते हैं उसको इज और आर, लेकिन इत्तेफाक से नहीं रहा तो आर नहीं करना इसमें। नेक्स्ट है लैंग्वेज लर्निंग इज स्पायरल हेंस, तो बोथ ए एंड बी है, रिव्यू शुड बी प्रोवाइडेड एंड टीचिंग इन आइसोलेटेड ब्लॉक शुड बी अवॉइडेड। फोर्टीन है स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी आस्क कर रहे, आंसर कर रहे क्वेश्चन कम्प्लीट वर्कशीट में, दिस इज एन इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी है। फिफ्टीन है स्कीमिंग आ रीडिंग एक्टिविटी, ये क्लोजली एसोसिएटेड है स्पीड से, राइट है। सिक्सटीन है डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश स्टेट दैट बोथ ए एंड बी लैंग्वेज इज लर्न बाय प्रैक्टिस, लैंग्वेज लर्निंग डज नॉट रिक्वायर स्टडी ऑफ ग्रामर, दोनों भी है। नेक्स्ट है सेवनटीन, द यूज ऑफ वर्ड टू इमिटेट द साउंड डिस्क्राइब्स ओनोमेटोपिया, ये वाला करना है। ओनोमेटोपिया जो होता है तो वो क्या होता है, ओनोमेटोपिया मतलब इसमें सोती होता है, इसमें सोती मतलब एक जैसे आवाज के वर्ड होंगे, उसमें शब्दों की ध्वनि विन्यास संबंधित, जिसमें ध्वनों के अवसार जो होते हैं एक जैसे, उसकी कुछ एग्जाम्पल भी है, द आयन लायन रोडेड, द कार क्रैश्ड, इसमें से क्या है ऐसे पहचानने की उसकी एक्टिविटी करना है आपको। नेक्स्ट करेंगे एटीन, फॉर टीचिंग ग्रामर द बेस्ट ग्रामर दैट अ टीचर कैन यूज इट पेडागॉजिक ग्रामर है, ट्रेडिशनल नहीं है, पेडागॉजिक, क्योंकि बच्चों की पेडागॉजी उसमें इस्तेमाल हो रही है इसलिए। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग स्पेलिंग्स,
तो स्पेलिंग के अब यहाँ पर आर दिया है तो इज नहीं है, तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, सारे है ऑल ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्शन डिक्शनरी मेथड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन ऑफ लर्निंग, तो अलाइनमेंट उसका राइट है, प्रोफेशनल नहीं है, डोमेन ऑफ लर्निंग इज अलाइनमेंट। उसके बाद 21 है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, इंफरादी तालीमी प्रोग्राम एम किस पे करता है, रेनफोर्सिंग लर्निंग डेवलपिंग इनहेरेंट पोटेंशियल एंड ओवरकमिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, इस पर 23rd है बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय पेवलोस एंड ब्लूमफील्ड, पेवलो एंड ब्लूमफील्ड। नेक्स्ट है 24th ओएचपी इज डैश 8, तो सिर्फ विजुअल बता रहे हैं, प्रोजेक्टर ओवरहेड प्रोजेक्टर, मतलब उसमें प्रोजेक्टर पर कोई आवाज नहीं आती, वो एक स्क्रीन सिर्फ शो करता है, तो आउटपुट डिवाइस में सिर्फ दिखता है वो, स्लाइड शो, तो उसको एक्सप्लेन करता है सामने वाला, तो इस वजह से उसमें कोई आवाज नहीं आती। बाकी जो बड़ी स्क्रीन होती है स्टेज वगैरह उसमें स्पीकर्स की मौजूदगी होती है, तो वो फिर वो ऑडियो विजुअल वो होता है, लेकिन ये ओएचपी सिर्फ विजुअल है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है लर्निंग बाय रेनफोर्समेंट रिक्वायर्स फर्दर प्रैक्टिस, लर्निंग बाय रेनफोर्समेंट में फर्दर प्रैक्टिस आएंगी।